तो सारे गेम करके देखे, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा वो है बॉडी बिल्डिंग। इंटरनली टूटता है वो खाने की वजह से टूटता है, क्योंकि आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलो उसमें खाना आपको जो आपका मन करेगा वो आप खा सकते हो। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है खाने के लिए। मैं बैक स्टेज गया था, बहुत सारे एथलीट से मिला। एक खिलाड़ी ही एक खिलाड़ी का दर्द या उसकी मेहनत को समझ सकता है। आप मेरी हालत देख सकते हो, मैं प्रोटीन डाइट पे हूँ पूरा, बिना नमक वगैरह के। बस अब थोड़ी अंदर से खुशी है कि 3 दिन और खींच लिए। मसल बाद में योग बढ़ता है, दिमाग बोलता नहीं और नहीं, लेकिन मसल में स्ट्रेंथ बची होती है। लेकिन कंपटीशन का कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं एक बार कंपटीशन देखने गया तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी सोच लिया उस दिन कि एक दिन मैं भी स्टेज में खड़ा होऊंगा। ये नहीं सोचा था कि इतना आगे मैं इंटरनेशनल तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन वही मेरी एक हम्बल बिगिनिंग थी। कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथों के बाहर होती है, वी गेट टू डू द बेस्ट, वी वॉन्ट टू डू द बेस्ट थिंग दैट वी कैन। अगर उसका मतलब यह है कि अगर आपको जिम में अपना घर में जिम करना है तो घर में जिम करना है, अगर कंट्री बंद है तो यू कॉन्ट रिली डू एनी थिंग अबाउट इट, जस्ट स्टे पेशेंट एंड बाकी चीज़ें करो, बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो एंड देन स्टार्ट प्रेपिंग अगेन वंस थिंग्स ओपन डाउन। तो मेन सारा खेल है खाने का, मेन होता है खाने पे, जो हमें खाने पे कंट्रोल करना होता है। आपके सामने खाना रखा है, आप उसे कैसे कंट्रोल करोगे?